दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप YouTube पर लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, YouTube पर लाइव जाना चाहते हैं और बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के आप लाइव पर जो है अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग को शेयर करना चाहते हैं तो आप ये कैसे करेंगे। तो चलो दोस्तों आज के इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। तो चलो दोस्तों मैं आपको पूरा प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ कैसे आप जो लाइव स्ट्रीमिंग में अपने मोबाइल स्क्रीन को शेयर करेंगे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना यह है कि आपको आपके मोबाइल में यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और यूट्यूब में आपको उसी जीमेल आईडी को लॉग इन करके रखना है जिस जीमेल आईडी पे आपका यूट्यूब चैनल बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जैसे आप यूट्यूब को ओपन कर लेंगे देन नीचे में आपको जो प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा, उनमें से जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है गो लाइव, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, क्रिएट टाइटल, पब्लिक, लोकेशन वगैरह इस तरीके से। और बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं दोस्तों बैकग्राउंड में आपका फेस दिखाई दे रहा होगा, मतलब अगर आप यहाँ पे अगर टाइटल वगैरह डिस्क्रिप्शन वगैरह देखिए सब चीज ओके कर देंगे तो आप लाइव स्ट्रीमिंग तो कर पाओगे, लेकिन वहाँ पे दोस्तों आपका कैमरे से लाइव शेयर होगा, मतलब अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे तो वहाँ पे आपका फेस जो है दिखाई देगा। लेकिन आप दोस्तों यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे, हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करना है अपने मोबाइल का। तो उसके लिए दोस्तों आप देख सकते हैं टॉप राइट कॉर्नर में आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जहाँ पे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है मोबाइल का और बीच में एक शेयर का एरो का ऑप्शन बना हुआ है, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। और इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं जो हमारा बैकग्राउंड था वो रिमूव हो चुका है और बैकग्राउंड पूरा डार्क हो चुका है, डार्क कलर में आ गया है, ब्लैक कलर में। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे आप जो प्रोसेस करेंगे आगे करेंगे तो वहां से जब डन कर देंगे हमारा जो शेड्यूल वगैरह सब चीज कंप्लीट हो जाएगा तब जाके हम जो लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे तो वहाँ पे हमारा जो है मोबाइल स्क्रीन शेयर होगा, ठीक है दोस्तों। तो सिंपली सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या है टाइटल क्रिएट करना है, आप जो भी लाइव स्ट्रीम में जो भी कुछ करने जा रहे हैं चाहे चैनल प्रमोशन की पर्पज से जा रहे हैं चाहे गेमिंग की पर्पज से जा रहे हैं कुछ भी पर्पज से जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्या है सबसे पहले टाइटल क्रिएट कर देना होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं मेरे चैनल के लाइव स्ट्रीम को देखते होंगे तो जरूर आप देखे होंगे कि मैं जो है चैनल प्रमोशन का लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले टाइटल दे देता हूँ, ठीक है, मैं एग्जांपल के पर्पज से दे देता हूँ दोस्तों, इस प्रकार से मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए 50 सब्सक्राइबर्स ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों पब्लिक, तो पब्लिक को बाय डिफॉल्ट आपको पब्लिक ही रहने देना है, ठीक है, अनलिस्टेड नहीं करना है। गेम टाइटल जो गेमिंग चैनल रहते हैं और उन लोग जो है लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं उनके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट रहता है ये चीज, ठीक है। तीसरे ऑप्शन दिखाई दे रहा है एडवांस, तो एडवांस में जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नो नॉट्स मेड फॉर किड और नो इट्स, मतलब यहाँ पे लिखा आ रहा है नॉट सिलेक्टेड और दूसरा ऑप्शन है यस इट्स मेड फॉर किड और नो इट्स नॉट मेड फॉर किड। तो यहाँ पे दोस्तों आपको नो नॉट इट्स नॉट मेड फॉर किड बाय डिफॉल्ट आपको सिलेक्ट रहने देना है, ठीक है। इससे ही आपका जो ऑडियंस, मतलब इससे जो आपका लाइव स्ट्रीम रहेगा वो जो है 18 प्लस ऑडियंस के पास जाएगा, ठीक है दोस्तों। तीसरे नंबर पे ऑप्शन में दिखाई देगा डू यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट दिस वीडियो टू एडल्ट ऑडियंस, ऐसा करके लिखा है तो इस पे आपको दिखाई देगा नीचे में ऑप्शन यस रिस्ट्रिक्ट माय वीडियो टू व्यूअर्स ओवर 18%, तो इस पे आपको नहीं रहने देना बाय डिफॉल्ट, नो डोंट रिस्ट्रिक्ट माय वीडियो टू ओवर 18% लिखा हुआ है, इस पे आपको रखना है। इससे क्या होगा कि जो 18% मतलब जो 18 साल से ऊपर है उनके पास यहाँ पर जो लाइव स्ट्रीम है वो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों यहाँ पे मोर ऑप्शन, मोर ऑप्शन में क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑप्शन और आपके पास दिखाई देगा, ठीक है, जिसमें पहला ऑप्शन खुल के आ गया है शेड्यूल फॉर लेटर। तो शेड्यूल फॉर लेटर का मत इसको आपको इनेबल कर लेना है, ये जरूरी है दोस्तों, इसको करने के बाद ही आप जो है अपने लाइव स्ट्रीम को एक्टिव कर पाएंगे। इसको इनेबल करने से दोस्तों यहाँ पे आप अपना डेट दे सकते हैं किस डेट पे आप लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको टाइम भी डिसाइड कर लेना है किस टाइम पे आप लाइव स्ट्रीमिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको कम से कम आप जो आपके ऊपर डिपेंड करता है 10 मिनट बाद लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं, 15 मिनट बाद, 1 घंटे बाद या 1 दिन बाद लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं बाय डिफॉल्ट इसको क्या कर लेता हूँ 7 PM, जैसे मैं जो है 7 बजे लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ डेली तो मैं इसको 7 PM में लॉक कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों, इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे लोकेशन दिखाई दे रहा है, आप जो है अपने लाइव स्ट्रीम में लोकेशन शो करना चाहते हैं तो आपके ऊपर वो आप कर सकते हैं। नीचे में एडवांस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, एडवांस में आपको चैट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो चैट अलाउ चैट को बाय डिफॉल्ट अलाउ ही रहने देना है। इससे क्या होगा आपके लाइव स्ट्रीम में जो भी ऑडियंस आएंगे वो जो है लाइव स्ट्रीम में आपके कमेंट कर पाएंगे, चैट कर पाएंगे। और दोस्तों अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए रहेगा, मतलब अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है तो नीचे में यहाँ पे आपको जो मोनेटाइजेशन को इनेबल करने का एक ऑप्शन और दिखाई देगा। मेरे केस में दोस्तों वो नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है। यहाँ से आपको बैक आ जाना है, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है नीचे में नेक्स्ट बटन दिखाई दे रहा है, सिंपली इस पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। कुछ प्रोसेस होगा दोस्तों, उसके बाद आपको कुछ और सेटिंग यहाँ पे करना पड़ेगा। पहला सेटिंग है दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको टाइटल मतलब सॉरी आपको थंबनेल सेलेक्ट करना होगा अपने लाइव स्ट्रीम का, ठीक है दोस्तों। जो भी लाइव स्ट्रीम बनाने जा रहे हैं तो सिंपली आप थंबनेल को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं या फिर हम दोस्तों बाद में जहाँ पे अपना YT स्टूडियो को लॉग इन करके अब बाकी के सेटिंग करेंगे वहां से भी आप जो है अपने थंबनेल को अपडेट कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। ये आपके ऊपर है, आपके प्रेफरेंस के ऊपर, अगर आप जो है आपका थंबनेल जो है आपके मोबाइल में है तो डायरेक्टली आप यहीं से थंबनेल को अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप YT स्टूडियो को जब लॉग इन करेंगे तो वहां से भी थंबनेल को अपडेट कर पाएंगे। अब तीसरा चीज दोस्तों यहाँ सॉरी दूसरा चीज यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ओरिएंटेशन का, तो बाय डिफॉल्ट आपको ओरिएंटेशन को दोस्तों
पोर्ट्रेट पे रखना है, क्योंकि पोर्ट्रेट मोड में ही आप जो बेटर लाइव स्ट्रीमिंग का एक्सपीरियंस दे पाओगे अपने ऑडियंस को। पोर्ट्रेट में दोस्तों आप, पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि खड़ी, मतलब इस प्रकार से आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल अभी जिस पोजीशन में मैं रखा हुआ हूं उसी पोजीशन में आपका लाइव स्ट्रीम शो होगा। अगर आप लैंडस्केप मोड को सिलेक्ट कर देते हैं तो आपका लाइव स्ट्रीम में इस प्रकार से स्क्रीन शेयर होगा आईडी मोड में, ठीक है, लैंडस्केप मोड में। तो आपको इस प्रकार से नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट आपका जो ओरिएंटेशन रहेगा उसको पोर्ट्रेट मोड में ही आपको सिलेक्ट करने देना है। और नीचे में आपको एक डन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है, तो सिंपली आपको डन पे क्लिक कर देना है, गो लाइव पे आपको नहीं क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि अभी और भी बहुत कुछ सेटिंग करना बाकी है। तो वो हम क्या करेंगे, वाईटी स्टूडियो में लॉग इन करके, डैशबोर्ड में लॉग इन करके वहां से कंप्लीट करेंगे। तो यहां पे सिंपली आपको डन पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से हमारा जो लाइव स्ट्रीम रहेगा दोस्तों वो शेड्यूल हो जाएगा, मतलब जो हमने जिस डेट पे जिस टाइम पे हमारे लाइव स्ट्रीम को सेट किया हुआ है उस टाइम पे हमारा लाइव स्ट्रीम शेड्यूल हो चुका है। ऊपर सेकंड नंबर पे जो कैलेंडर बना है और इसके ऊपर एक वन का पॉपअप दिखाई दे रहा है, तो वहीं पे हमारा जो है शेड्यूल दिखाई दे रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं 14 मार्च 2023 मतलब आज की डेट में शाम 7 बजे मेरा लाइव स्ट्रीम जो है वो शेड्यूल हो चुका है। तो इस प्रकार से आप लाइव स्ट्रीमिंग को शेड्यूल करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों आगे का सेटिंग जो है वाईटी स्टूडियो के अंदर हम जाके करेंगे। तो चलो मैं सबसे पहले वाईटी स्टूडियो एप्लीकेशन हमारे जो डैशबोर्ड है उसको लॉग इन कर लेता हूं और आपको दिखाता हूं कि आगे की सेटिंग में आपको क्या क्या चीजें कंप्लीट करना है। तो आगे की सेटिंग करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और क्रोम ब्राउजर में आपको यूट्यूब को ओपन कर लेना है, ठीक है, youtube.com सर्च कर लेना है। देन दोस्तों क्रोम ब्राउजर के टॉप राइट कॉर्नर में आपको जो थ्री डॉट दिखाई देगा उस पर आपको क्लिक करना है। देन आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइट का, ये वाला ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करके आपका जो यूट्यूब है youtube.com को आपको डेस्कटॉप साइट पे स्विच कर लेना होगा, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो आपका जिस प्रकार से लैपटॉप डेस्कटॉप में दिखाई देगा यूट्यूब, उस प्रकार से इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। देन आपका यूट्यूब जब ओपन हो जाएगा तो आपको जो क्रोम ब्राउजर का जो थ्री डॉट दिखाई देगा उसके नीचे में आपको आपके यूट्यूब प्रोफाइल का आइकन दिखाई देगा, आपके जी मेल आई डी का आइकन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पे भी आप जो यूट्यूब ओपन किए हैं उस वाले यूट्यूब में भी आपको इसी ईमेल आईडी को लॉगिन करके रखना है जिस ईमेल आईडी पे आपका यूट्यूब चैनल रन हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब जो आपका जी मेल आईडी है उसके प्रोफाइल आकर पे आपको क्लिक कर देना है। देन आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों आपका यूट्यूब स्टूडियो, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इस पे आपको राइट की मतलब इस प्रकार से क्लिक करके ओपन इन अ न्यू टैब इन अ ग्रुप करके आपको इस प्रकार से ओपन कर लेना है। देन दोस्तों आपका वाईटी स्टूडियो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। देन जो वाईटी स्टूडियो लिखा हुआ है यूट्यूब स्टूडियो उसके बगल में जो थ्री लाइन लिखा है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। देन इस प्रकार से क्लिक करने से आपको जो मेन्यू है दोस्तों वो एक्सपैंड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दोस्तों कंटेंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंटेंट ऑप्शन में क्लिक करने से आपको जो भी कंटेंट है यूट्यूब वीडियोज वो ओपन हो जाएगा। देन आपको क्लिक करना है लाइव वाले सेक्शन में। देन दोस्तों यहाँ पे हमने जो अभी शेड्यूल करके रखा हुआ है हमारा जो लाइव स्ट्रीम शेड्यूल करके रखा है आप देख सकते हैं 50 सब्सक्राइबर्स, उस पर आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। इसको एडिट मोड में आपको ओपन कर लेना है, आपने जो भी लाइव स्ट्रीम को शेड्यूल करके रखा है उसको सिंपली आपको ओपन कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा लाइव स्ट्रीम का एडिट मोड में ओपन हो गया है। हमने जो टाइटल दिया 50 सब्सक्राइबर्स वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो भी टाइटल रहेगा आपके लाइव स्ट्रीम का वो टाइटल आपको चेंज कर लेना है। देन नीचे में जो डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों तो आपको डिस्क्रिप्शन भी दे देना है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स वगैरह भी ऐड कर लेना है। देन दोस्तों नीचे में हमने जो टाइम शेड्यूल किया हुआ था हमारे लाइव स्ट्रीम को उसका डेट और टाइम भी दिखाई दे रहा है। नीचे में ऑप्शन में दिखाई दे रहा है दोस्तों थंबनेल का, तो आपको जो है आपका लाइव स्ट्रीम का थंबनेल भी यहाँ पे अपलोड कर लेना है। मैं यहाँ पे अभी कुछ चीज अपलोड नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं आपको डेमो पर्पस से समझा रहा हूँ, ठीक है, अदरवाइज नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आप अपने केस में आपको पूरा टाइटल प्रॉपर दे देना है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखना है, आपको जो है थंबनेल भी अपडेट कर लेना है। नीचे में आपको दोस्तों ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से भी आप जो है प्लेलिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जो है अपने लाइव स्ट्रीम को किसी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में सेव करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर लीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों ऑडियंस का, जो हमने बाय डिफॉल्ट नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स सेलेक्ट किया हुआ था जब हमने अपना लाइव स्ट्रीम को क्रिएट किया था, ठीक है। उसके बाद नीचे में ऑप्शन में शो मोर का मैं जैसे क्लिक करता हूँ दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन खुल के आएगा। तो इनमें से आपको सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है दोस्तों टैग्स का, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आपके लाइव स्ट्रीम से रिलेटेड टैग्स दे देने हैं। आप जिस भी टॉपिक पे लाइव स्ट्रीम बना रहे हैं, आपका जो भी चैनल है, चाहे गेमिंग का चैनल हो, यूट्यूबिंग का चैनल हो, आप जो भी लाइव स्ट्रीम बना रहे हैं क्रिएट कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे टैग्स दे देना है, क्योंकि इससे ही दोस्तों आपका जो लाइव स्ट्रीम रहेगा वो ज्यादा वायरल होगा, आपके लाइव स्ट्रीम ज्यादा लोग तक पहुंचेंगे, आपके लाइव स्ट्रीम को ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इतना सब करने के बाद आपको ऊपर में जाना है, ऊपर में आपको सेव का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको सेव कर लेना है। मेरे केस में दोस्तों अभी सेव का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने कुछ भी एडिट नहीं किया है। तो सिंपली इतना चीज आपको दे देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे आके आपको सिंपली सेव कर देना है। देन आगे का काम दोस्तों हम वापस अपने यूट्यूब एप्लीकेशन में जाके करेंगे। तो चलो मैं दोस्तों वापस जो है अपने यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों वापस आपको जो है आपके यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। देन सिंपली प्लस आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद गो लाइव वाले ऑप्शन पे जाना है। देन दोस्तों जो लाइव स्ट्रीम को हमने शेड्यूल करके रखा हुआ था सिंपली उस पर आपको ओपन कर लेना होगा। एक मिनट दिखा देता हूं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर लेफ्ट साइड में आपको जो कैलेंडर उसके बाद वन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वन पॉपअप रेड कलर में दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे दोस्तों आपने वो आपका वही लाइव स्ट्रीम दिखाई देगा जो आपने शेड्यूल करके रखा होगा। इसका बाकी सेटिंग में कैसे करना है वो मैंने आपको दिखा दिया, तो सिंपली इस लाइव स्ट्रीम वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक बार और आपको जो है ओरिएंटेशन को सिलेक्ट कर लेना होगा। तो याद रखना आपको जो पोर्ट्रेट मोड में ही सिलेक्ट
क्लिक कर लेना है। अब इस बार दोस्तों आपको क्या करना है, क्लिक करना है इस बार आपको जो है गो लाइव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप दोस्तों कुछ फ्यू टिप्स करके कुछ ऑप्शन दिखाई देगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा, आपको क्या क्या ऑप्शन बता दे रहा है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देन गॉट इट पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसको डोंट नो डोंट शो अगेन करके यहाँ पे स्टार्ट नाउ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से हमारा लाइव स्ट्रीम जो है स्टार्ट हो जाएगा। अभी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट नहीं हुआ है, हालांकि इसके बाद एक और कन्फर्म प्रोसेस करना होगा गोल वाले ऑप्शन में क्लिक करके। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा गोल सर्कल दिखाई दे रहा है, उसके अंदर आपका जो है फेस दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब ये है कि अभी कैमरा इनेबल है, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है, बंद करना है। हमको अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करना है अपने मोबाइल का, तो सिंपली ऊपर में आपको कैमरे का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में, उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमारा जो कैमरा था वो बंद हो गया है। अब इस तरीके से यहाँ पे अब जो भी आप लाइव करेंगे वहां पे अब जो है आपको लाइव स्ट्रीम जो है रिकॉर्डिंग दिखाई देगा सामने वाले ऑडियंस के पास। आपके लाइव स्ट्रीम में जितने भी ऑडियंस ज्वाइन होंगे उसको आपका जो मोबाइल स्क्रीन में जो भी चलते रहेगा, आप जो भी चीज काम करते रहेंगे अपने मोबाइल में, वो चीज दिखाई देगा, ठीक है। तो कंप्लीट चीजें यहाँ पे रेडी हो चुकी है दोस्तों। अब सिंपली आपको क्या करना रहेगा, सिंपली आपको गो लाइव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपका लाइव स्ट्रीम जो है ऑन हो जाएगा, लाइव कर पाएंगे आप जो है। अब उसके बाद आप जो भी चीज करेंगे अपने मोबाइल में, चाहे आप चैनल प्रमोशन करने के लिए जा रहे हैं, चाहे आप अगर आपका गेमिंग चैनल है और आप गेमिंग लाइव गेमिंग खेलना खेलते हुए अगर लाइव करना चाहते हैं, तो वो चीजें दोस्तों आपके ऑडियंस के पास दिखाई देगा और वहां पे आपका जो लाइव स्ट्रीम है वो शेयर होते रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है यूट्यूब के लाइव स्ट्रीम में अपने मोबाइल के स्क्रीन को शेयर करेंगे। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आप जो है अपने लाइव स्ट्रीमिंग में मोबाइल स्क्रीन को कैसे शेयर करेंगे। मैंने जो है पूरा प्रोसेस दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया है, क्या क्या सेटिंग करना है, ताकि आप जिससे जो है अपने मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग को शेयर कर पाएंगे अपने लाइव स्ट्रीम में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपके मन में जो डाउट था किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज किए बगैर अपने मोबाइल स्क्रीन को कैसे लाइव स्ट्रीम में शेयर करेंगे, वो चीज आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल में पहली बार है मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर सेट कर दीजिएगा, क्योंकि आगे आपको मेरे चैनल पर यूट्यूब से रिलेटेड ऐसे ही कमाल की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।